तो गाइस फाइनली यहाँ पे PUBG का कोरियन वर्जन का भी अपडेट आ चुका है जो कि यहाँ पे प्ले स्टोर पे है। तो आप अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। दोस्तों यार ये हमारे PUBG कोरियन वर्जन का 1.4 वाला अपडेट, तो भाई यहाँ पे पीछे लॉबी भी आप देख ही सकते हो। और भाई यहाँ पे इस अपडेट को अगर आप करना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं दो तरीके बताने वाला हूँ। एक तो भाई यहाँ पे किसी और जगह से होगा, सेकंड भाई यहाँ पे प्ले स्टोर से होगा, तो भाई दोनों ही ऑफिशियल है। तो भाई यहाँ पे देखो यार एक चीज मैं आपको बता दूं यार, PUBG कोरियन वर्जन बहुत जल्द बंद होने वाला है। जैसे हमारा बैटल ग्राउंड इंडिया आ जाएगा तो इस वजह से यार काफी एरर देखने को मिल रहे हैं। तो भाई यहाँ पे उन एरर का सॉल्यूशन भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा भाई कैसे आप जिसको प्ले स्टोर पे भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि प्ले स्टोर से भाई अगर आप जनरली सर्च करोगे जाके तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, अरे यार PUBG देखने को ही नहीं मिलेगा आपको प्ले स्टोर के ऊपर। तो भाई यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देख लो यार, मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया, आपको अपडेट करना है तो क्या करना है इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। तो गाइस यार यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इस पोस्ट का लिंक दे दूंगा। तो भाई यहाँ पे टॉप पे सबसे पहला लिंक दे दूंगा जिसके अंदर भाई यहाँ पे आ जाओगे, उस पर क्लिक करते हैं। और भाई यहाँ पे मैंने लिखा है कि किस तरह से आप जो टैप टैप से और भाई यहाँ पे प्ले स्टोर से दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो आपको लाइव भी करके दिखाने हैं। तो सिंपली लिंक पे क्लिक कर नीचे आ जाना और यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड फ्रॉम टैप टैप लिखा है। तो टैप टैप एक एप्लीकेशन है जो कि ग्लोबल एप्लीकेशन सारी वहाँ पे मिल जाती है, तो उसका लिंक देखो यहाँ पे है, मैंने दे रखा है। और जो बाकी की जगह है वो एरर आएगा, आप मतलब ट्राई कर लेना यहाँ पे आके। और बाकी नीचे अगर आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो सेकंड मेथड भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो भी भाई क्या करना है तो आपको जो है ये प्ले स्टोर से देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और भाई यहाँ पे इस पोस्ट पे आने के लिए सिंपली डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, मतलब यार वेबसाइट का लिंक है, तो वहाँ से क्लिक कर आप यहाँ पे आ जाओगे। तो देख लेना, अभी मैं आपको लाइव जो है सारा कुछ करके दिखा देता हूँ। गाइस आपको मैंने इस पोस्ट के अंदर एक लिंक दिया था टैप टैप वाला, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो भाई आप इस टैप टैप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे। और इस टैप टैप के अंदर आने के बाद भाई यहाँ पे सिंपली आपको सर्च में जाना, और यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है PUBG KR। तो आपको भी ऐसे सर्च करना है PUBG KR, और इसके अंदर आने के बाद PUBG KR सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको टॉप पे ही देखने को मिल जाएगा। इसके साइज जो है अराउंड 700 MB ही होगी, कि यार PUBG ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। तो यार 700 MB हो चुके हैं। इन गेम के अंदर आपको और अपडेट्स देखने को मिलेंगे, मतलब गेम जैसे ही चालू करोगे तो आपको 500-600 MB का डाउनलोड करने को मिलेगा, जैसे आपको भाई HD वाला चाहिए या फिर नॉर्मल। तो यहाँ पे इसके अंदर फायदा ये है कि अगर आप यहाँ से डाउनलोड करते हो तो आप आधा डाउनलोड करके बाकी का रख भी सकते हो, मतलब थोड़ी देर बाद चाहो तो भी कर सकते हो। जैसे प्ले स्टोर के अंदर आपको ऐसे पॉज करने का ऑप्शन नहीं मिलता, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और भाई यार काफी एरर देखने को मिल रहे हैं हमको गेम को ओपन करते, तो उसका भी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो ये हो गया भाई फर्स्ट मेथड। सेकंड भाई प्ले स्टोर से करना है, तो भाई प्ले स्टोर से करने के लिए सबसे पहले आपको VPN कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप सोलो VPN ऐप को यूज कर सकते हो, जिसका भी लिंक मैंने उसी पोस्ट के अंदर दे रखा है। तो जाओ वहां पे से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और भाई यहाँ पे इसके अंदर आपको साउथ कोरिया वाला VPN को कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको GMAIL ID क्रिएट करनी है साउथ कोरिया वाली। अभी अगर आप साउथ कोरिया की GMAIL ID कैसे क्रिएट करें इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो मैं सेकंड चैनल के ऊपर डाल दूंगा, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर देना। देखो अभी मैं प्ले स्टोर के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे आने के बाद देखो यार अभी मैं सर्च करूंगा PUBG मोबाइल, तो ये वो GMAIL ID नहीं है, इसलिए हमको ग्लोबल वाला देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये US वाली GMAIL ID है, मतलब अमेरिका वाली, यार आप ऐसा समझ सकते हो, इसलिए हमको ग्लोबल वाला देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं अपनी GMAIL ID को स्विच कर लेता हूँ जो कि मैंने कोरियन वर्जन के लिए बनाई थी। तो यहाँ पे क्लिक करते अभी गाइस देख सकते हो, यार थोड़ी प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है, ब्लर तो करूंगा। अभी गाइस मैं वापस से PUBG मोबाइल सर्च करता हूँ, देखो ये जो है सब कोरिया में लिखा हुआ आ रहा है। तो भाई यहाँ पे देखो PUBG मोबाइल कोरियन वर्जन आ चुका है, जो कि क्राफ्टून INC भी लिखा है। अभी गाइस आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और ये कोरियन वर्जन वाला ही है। और ये जो GMAIL ID है मैं कोरियन वर्जन का VPN कनेक्ट करके क्रिएट की है, इस वजह से यहाँ पे हमको देखने को मिल गया। और इसको आप जो है VPN कनेक्ट रख कर भी डाउनलोड कर सकते हो, बिना रखे भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड से, मतलब ये ऑफिशियल ही है, आप इस पर 100% ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे प्ले स्टोर पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ से देखो 700 MB की इसकी साइज़ है, और भाई यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाते ही मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा दूंगा। तो भाई यहाँ पे ओपन करके ही आपको एक एरर आएगा, तो उसका भी क्या सॉल्यूशन है वो भी आपको बता दूंगा। देखो इंस्टॉल हो चुका है, मतलब लगभग डाउनलोड हो चुका, अभी इंस्टॉल का टाइम आ चुका है। तो देखो यार जैसे इंस्टॉल होता है मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो भाई यहाँ पे इसको आप डाउनलोड करने के लिए यार सिंपली मैंने जो प्रोसेस बताया उसको फॉलो करना, और वीडियो आपको मिल जाएगी यार सेकंड चैनल के ऊपर, तो जरूर से उसको भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। तो भाई यहाँ पे देखो ये हम ओपन कर रहे हैं इसको, और ओपन करते हैं भाई यहाँ पे जैसा मैंने मेरे को पहले एरर आया था बिल्कुल उसी तरह से आपको भी एरर आएगा ही, 99% चांस एरर आ सकता है, क्योंकि यार अभी बहुत ही पंगे चल रहा है, बैन होने वाला है बहुत जल्द, ऐसा कुछ सीन लग रहा है। लेकिन अभी इसकी डेट जो पोस्टपोन कर दी गई है, मतलब थोड़ा लेट होगा, देर से ही सही लेकिन होगा ज़रूर। तो यहाँ पे छोटे मोटे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और भाई यहाँ पे अभी देखो कुछ इस प्रकार से आपको एरर आएगा, अननोन एरर, प्लीज़ रिस्टार्ट योर डिवाइस। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ मत करो, बस वो जो VPN कनेक्ट किया था ना उसको वापस से कनेक्ट कर दो, या फिर उसको डिसकनेक्ट करना ही मत। मैंने इसको वापस से कनेक्ट किया, देखो पहले मैंने इसको डिसकनेक्ट कर दिया था, इस वजह से मेरे को एरर आया।
अभी मैंने इसको वापस से देखो कनेक्ट किया है और नीचे देखो 597 मतलब भाई यहाँ पे 597 MB का अपडेट मांग रहा है। जैसे अपडेट हो जाएगा उसके बाद आपके गेम जो है ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों यार इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो इस पबजल कोरियन वर्जन के 1.4 के अपडेट को। और भाई यहाँ पे आप चाहो तो अपडेट करो या फिर सीधा ही डाउनलोड कर लो आपकी मर्जी। और भाई यहाँ पे इसके अंदर आने के बाद भाई यहाँ पे आपको सीजन 19 का भी अपडेट देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द, मतलब यार 17 तारीख को। और भाई यहाँ पे इवेंट ओपन नहीं हो रही है, पता नहीं क्या ग्लिच चल रहा है, लेकिन आपको ये लॉबी जरूर से मिल जाएगी भाई। एक वीडियो प्लेगा उसके बाद से भाई यहाँ पे आपको ये लॉबी जो है देखने को मिल जाएगी। तो यार इंस्टॉल कर लेना लॉबी को और उसके बाद भाई यहाँ पे करो मजे यार कोरियन वर्जन के अंदर जब तक ये जिंदा है, क्योंकि बहुत जल्द ये बंद होने वाला है। तो भाई यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो इस कोरियन वर्जन को अपडेट। और भाई यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि जरूर से आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। यार प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना यार, आपका भाई का चैनल एक लाइक तो बनता है। और भाई यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत आ जाती है ना, मतलब चाहे कोई भी एरर कोई भी दिक्कत आती है, कमेंट में गालियां मत देना यार, सिर्फ कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या दिक्कत हो रही है, मैं जरूर से आपकी हेल्प करने का ट्राई करूंगा। और भाई इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, मतलब इंस्टा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैसेज करो भाई क्या दिक्कत आ रही है, मैं पूरा ट्राई करता हूँ आपको रिप्लाई देने का। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। थैंक यू सो मच दोस्तों यार इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।